अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, क्लास 4, चैप्टर नंबर 1, पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग इज दिस गर्ल, यू कैन सी इन द पिक्चर, शी हैज़ अ मंकी। अंडरस्टैंड? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। When Pippi entered Villa Vilicula for the first time, जब Pippi Villa Vilicula में पहली बार दाखिल हुई, it was a lovely summer evening, तो ये गर्मियों की एक खूबसूरत शाम थी। ये गर्मियों की एक खूबसूरत शाम थी जब Pippi पहली बार Villa Vilicula में आई। The children next door, उसके साथ वाले घर में रहने वाले बच्चे टॉमी एंड अनीका, जो टॉमी और अनीका है उसके साथ, उस जिस घर में वो दाखिल हुई उसके साथ वाले घर में टॉमी और अनीका रहते हैं, वर नॉट एट होम, वो घर में नहीं थे। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, टॉमी एंड अनीका वर नॉट एट होम, उसके साथ वाले घर में रहने वाले बच्चे टॉमी एंड अनीका घर में नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए अपनी नानी या दादी के घर गए हुए थे। एंड सो दे हैड नो आइडिया, इसलिए उनको ये ख्याल नहीं था दैट एनीबॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, कि उनके साथ वाले घर में कोई आया है। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो दोबारा अपने घर आए, ये किसकी बात हो रही है? टॉमी एंड अनीका की। जब वो वापस नानी के घर से घर अपने घर आए तो फिर उसकी बात हो रही है। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो वापस घर आए तो उसके पहले दिन, दे स्टूड बाय द गेट, वो दरवाजे के पास खड़े हुए, लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और जो बाहर गली में देख रहे थे। जब वो दोबारा वापस अपने घर आए तो पहले दिन वो अपने दरवाजे में खड़े बाहर गली में देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्लेमेट सो नियर, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि एक उनके साथ खेलने के लिए उनके बहुत नज़दीक है। दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग, वो वहाँ खड़े थे ये सोचते हुए, वट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड वॉन्डरिंग, और हैरान हो रहे थे वेदर एनीबॉडी एनीथिंग एक्साइटिंग वाज लाइकली टू हैपन, कि क्या कुछ हैरान कन होने वाला है, और वेदर, और या फिर इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, या ये भी उन्हीं बोर दिनों की तरह होगा। व्हेन दे कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, जब वो खेलने के लिए कुछ भी सोच नहीं सकते। ठीक है, वो दरवाजे के पास खड़े ये सोच रहे थे कि क्या आज कुछ हैरान कन होने वाला है, या ये भी उन्हीं आम बोरिंग दिनों की तरह होगा जब वो खेलने के लिए कुछ नहीं सोच सकते थे। ठीक है, एंड जस्ट देन, और उसी वक्त, द गेट ऑफ Villa Vilicula ओपन, और उसी वक्त Villa Vilicula का दरवाज़ा खुला, एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, और एक छोटी लड़की बाहर आई। स्टेप्ड आउट का मतलब होता है बाहर कदम रखना। She was the most remarkable girl Tommy and Anika had ever seen. Tommy और अनिका ने आज तक जितने भी देखे उनमें से ये सबसे रिमार्केबल, हैरान कन या यादगार थी लड़की। She was Miss Pippi Longstocking. वो Miss Pippi Longstocking थी, out for her morning walk, जो अपनी सुबह की सैर के लिए निकली थी। वो कौन था? वो मिस Pippi Longstocking थी, जो अपनी सुबह की सैर के लिए बाहर निकली थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, और वो ऐसी नज़र आती थी। अब यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि वो कैसी नज़र आती है। हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ अ कैरेट, जैसा कि गाजर का रंग हो। ठीक है, हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट, उसके बाल गाजर के रंग के थे। वॉज ब्राइडेड, ब्राइडी का मतलब होता था बंधे हुए थे, इन टू टाइट ब्राइड्स, दो चुटियों में। ठीक है,
उसके बाल गाजर के रंग के थे और दो चुटियों में बंधे हुए थे, दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो बिल्कुल सीधे बाहर की तरफ निकले हुए थे, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, स्टक आउट। हर नोज उसकी नाक वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, उसकी नाक एक बिल्कुल छोटे आलू की तरह थी, पोटैटो मीन आलू, एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर, और उसके सारी जगहों पे निशान थे विद फ्रैकल्स, दाग धब्बों के निशान थे या छाइयों के, ठीक है, और उसकी नाक के सारी तरफ दाग धब्बों के निशान थे। ठीक है बच्चों, आज यहाँ तक ही आपको मिलेगा, इसी की रीडिंग है आपकी, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, कल आपको नेक्स्ट रीडिंग कराई जाएगी और साथ ही वोकेबलरी वर्ड्स वर्ड्स मीनिंग भी करवाए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।